कल हमने प्रिज्म थ्योरी पढ़े थे, थोड़ी सी और बची उसकी। कुछ कंडीशन है प्रिज्म के लिए, जैसे कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, ठीक है, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। फॉर एनी प्रिज्म कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस, देखो ये कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी। मान लो रे ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्टेड जो रे है, जैसे यहां पे पहुंच रही है ये रे ऑफ लाइट, सपोज कोई रे ऑफ लाइट अगर यहां पे पहुंच रही है और ये वाली सरफेस पे क्या होने लगे, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे आर टू एंगल के लिए, यहाँ पे रे ऑफ लाइट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हमको ये कंडीशन बनानी है कि भाई प्रिज्म में रे ऑफ लाइट यहां से एंटर करे और यहां से फिर दूसरे वाले सरफेस से, एसी सरफेस से ये बाहर ना निकले, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। तो हम आर टू की कम से कम वैल्यू भी ले लें, अगर मान लो मैं यहां पर आर टू की मिनिमम वैल्यू भी अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगी, और क्रिटिकल एंगल क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आर टू की मिनिमम वैल्यू भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगी तो फिर यहां पर क्या आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रिफ्रेक्टेड रे, अभी हमको इंसिडेंट रे के लिए बनाना है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड इफ आर टू अगर मिनिमम है देन आर वन की कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि आर वन प्लस आर टू जो आएंगे हमेशा आर वन प्लस आर टू इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। तो अगर आर टू मिनिमम है तो आर वन मैक्सिमम आएगा, तो आर वन अगर मैक्सिमम ले रहा हूं मैं तो देन आई वन भी कौन सा होगा, मैक्सिमम, और आई वन इज मैक्सिमम इज पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री, मतलब ये यहां पर से रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी, दिस इज आई वन की हमने मैक्सिमम वैल्यू लिए और ये कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर डेफिनेट सी बात है ये भी क्रिटिकल एंगल होगा यहाँ पर, एंड इफ आई वन की मैक्सिमम वैल्यू अगर पाई बाई टू है देन आर वन इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। सो देयरफॉर आपके पास में आर वन अगर क्रिटिकल एंगल है और ये आर टू मिनिमम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये कैसे आसान हो गया, आर वन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस आर टू की जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू ए होता है, या आर वन की क्रिटिकल, देखो आर वन प्लस आर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, और आर वन अगर क्रिटिकल एंगल है और ये आर टू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर टू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आर टू को क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस आर वन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन आर वन अगर क्रिटिकल एंगल है खुद यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू आई सी ग्रेटर देन आई सी, सो ए इज ग्रेटर देन ऑफ ट्वाइस आई सी। तो रे ऑफ लाइट अगर यहां से किसी भी एंगल से एंटर करे, फर्स्ट वाली फेस से किसी भी एंगल से अगर एंटर करती है रे ऑफ लाइट,
तो दूसरी सरफेस एसी सरफेस से ये बाहर नहीं निकल पाएगी अगर ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई रहेगी, मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई रोल नहीं बचेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए इज ग्रेटर देन ट्वाइस आई सी। तो आप इस कंडीशन को याद रखो, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस क्या है कि ए ग्रेटर देन ट्वाइस आई सी और आई सी इज लेस देन हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंड व्हाट इज आई सी हेयर, आई सी आपको पता है साइन आई सी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/μ होती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस ये होती है। तो यहां पर से अगर रे ऑफ लाइट किसी भी एंगल से एंटर करे और ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, तो दूसरे सरफेस में एसी सरफेस से रे ऑफ लाइट कभी भी बाहर निकल कर नहीं जाएगी। तो आप इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कैसे बनेंगे, आई सी इज लेस देन ए बाई टू, दोनों तरफ आप साइन ले लो, तो साइन आई सी लेस देन साइन ऑफ ए बाई टू, साइन आई सी इज 1/μ, 1/μ इज लेस देन साइन ऑफ ए बाई टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये म्यू ग्रेटर देन 1/sin ऑफ ए बाई टू या म्यू ग्रेटर देन कोसेक ए बाई टू। तो ये याद रखो, ये तो हम खुद से बना सकते हैं फिर कि कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, यहां से लाइट किसी भी एंगल से अगर एंटर हो, जरूरी नहीं कि 90, ये तो मैक्सिमम ले लिया हमने, मैक्सिमम के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करा दिए तो बाकी एंगल के लिए ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये रिलेशन वैलिड है, क्रिटिकल एंगल इज लेस देन ए बाई टू, तो रे ऑफ लाइट दूसरे सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी, इमर्ज नहीं होगी, लाइट यहाँ पे क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं, देख लो अच्छे से। हाँ सर आई मैक्स पाई बाई टू है तो R1 IC के बराबर कैसे होगा? R1 IC के बराबर कैसे होगा, देख यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्रिटिकल एंगल भी होता है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट को रिवर्स कर दो आप तो जिस पाथ से आती उसी पाथ से चली जाएगी ना, तो ये जो R1 है यही क्रिटिकल एंगल होगा, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा ना डेंसर से रेयरर पे जाने पे, है ना। हाँ सर ठीक है। ओके क्लियर हो गया, अभी देख लो अच्छे से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन है भाई, है ना, कंडीशन पे बनाते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, दिस इज द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, ठीक है। अरे समझ गए या नहीं, समझ गए इसको। यस सर। ओके अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो लास्ट में यू इज ग्रेटर देन कोसेक ए बाय टू लिखा है ना? हाँ, म्यू इज ग्रेटर देन कोसेक ए बाई टू, म्यू इज ग्रेटर देन कोसेक ए बाई टू, ठीक है। ले लिया, ले लिए क्या? यस जी, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, देखो कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ये कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस है हाँ, एंड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, नाउ पेज नंबर टू, कंडीशन ऑफ
ग्रेजिंग इमरजेंस, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब ये प्रिज्म हमने लिया एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये साइड बी, ये साइड सी, यहां से रे ऑफ लाइट ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रही, दिस इज इंसिडेंट रे पी क्यू, एंड ये एंगल आएगा आर वन, और यहां से रे ऑफ लाइट कैसी आए, ये इस तरह से निकले, मतलब जो दूसरा एंगल है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, ये कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये जो कंडीशन है ये किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ही होगी ना, इसको बोलते हम कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे म्यू है, तो ये कंडीशन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ही बनेगी, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही ऐसा होगा कि इस किसी पर्टिकुलर एंगल पे ही इमरजेंट रे कैसी होगी, प्रिज्म के सेकंड सरफेस के पैरेलल होगी, या एंगल ऑफ इमरजेंस कैसा होगा वहां पे 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये कब बनेगा, या ये एंगल कौन सा होगा, ये कौन सा एंगल होगा, एंड दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, और दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, ये मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन भी है। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन भी है, तो यहां पे देखो अगर ये जो इमरजेंट रे है, दिस इज इमरजेंट रे, अगर 90 डिग्री है एंगल ऑफ इमरजेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब R2 किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, है ना, R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, होगी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, तभी ऐसा केस बनेगा भाई, यहाँ पे R2 की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल होगी तभी ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी या सरफेस के पैरेलल होगी। तो अब आगे बाकी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, R1 plus R2 is equals to A, ये रहेगा ही रहेगा। अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो फर्स्ट वाले सरफेस पे, सिंस म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ साइन R1 लिख सकते हैं अपन, और R1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस R2 लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो R1 की वैल्यू को a माइनस R2 लिख दो, तो फिर ये कितना बन जाएगा, साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ a माइनस, और R2 कितना है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ पे आप साइन I सी लिख सकते हो, और फिर आप यहाँ पे साइन के फार्मूले को एक्सपैंड कर दो, तो दिस इज साइन ए कॉस आई सी माइनस कॉस ए इंटू साइन आई सी, और कॉस आई सी को भी आप रिप्लेस कर सकते हो, फिर दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए कॉस आई सी, मतलब अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर आई सी माइनस कॉस ए, और साइन आई सी कितना हो गया, वन अपॉन म्यू हो गया। ठीक है, साइन आई सी कितना होता है, साइन आई सी इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, तो अब यहाँ पे फिर से हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, दिस इज साइन ए, या फिर इस म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इस म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बचेगा, साइन ए, और यहाँ पे वन अपॉन म्यू आएगा, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन म्यू स्क्वायर, तो म्यू से म्यू कट जाएगा एंड माइनस ऑफ कॉस ए बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई, सो आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस ए,
अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो सेकेंड सरफेस से रे ऑफ लाइट ग्रेजिंग इमर्जेंस होगी। तो ये इसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा होगा, बाकी एंगल पे ये नहीं होगा। बहुत ही छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मैंने यूज किया, कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूज किया, आप लोग इसको समझो, स्टेप्स को समझो, एक बार देखो स्टेप्स को और इसको ध्यान रखना। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस ये है। तो बेसिक बात क्या है यहाँ पे कि आर टू क्रिटिकल एंगल के बराबर है, बाकी आर वन प्लस आर टू ए होता है, तो आर वन इक्वल टू ए माइनस आर वन। और फर्स्ट सरफेस ए बी सरफेस के लिए आपने स्नेल्स लॉ लगाकर पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। यही कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन के लिए भी होती है। तो मैक्सिमम डेविएशन एंड देन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, पेज नंबर थ्री, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। Now page number 3, new heading, refraction through curved surface. Refraction through curved surface. ठीक है। Now refraction through curved surface, refraction through curved surface, new heading अभी ये, ठीक है, refraction through curved surface। देखो curved surface के लिए there are two types of curved surface, और फिर हम इसके लिए refraction formula देखेंगे। curved surface किस type की हो सकती है, जैसे ये एक है, ठीक है, और कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व सरफेस, ये कौन सी हो गई कॉन्वेक्स, और ये वाली सरफेस कौन सी हो गई कॉनकेव। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, अंदर का म्यू टू, म्यू वन म्यू टू, दिस इज म्यू वन एंड म्यू टू, म्यू वन एंड म्यू टू, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसमें केसेस क्या बनेंगे, मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और यहाँ पे अब अलग अलग केसेस बन सकते हैं। मैं अभी बाय डिफॉल्ट मान ले रहा हूँ कि न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, तो एक रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी और दूसरी रे ऑफ लाइट को आप इस तरह से लोगे, ये आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और फिर ये यहाँ पे आके मिलेगी, तो इस पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी एंड दिस इज आर। सारे डिस्टेंस आपको, इसको बोलते अपन पोल, तो सभी डिस्टेंसेस को आपको यहां से मेजर करना है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट इज वी इमेज डिस्टेंस, तो सारे डिस्टेंस आपको अब यहां से मेजर करने होते हैं। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को ये वाले मीडियम पे रखा, रेयरर मीडियम, क्योंकि मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, मतलब ऑब्जेक्ट ही बाहर। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंदर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अंदर हो, मतलब सपोज म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंदर हो, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल हो गया,
तो रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से चलेंगी और नॉर्मल, ये नॉर्मल हमेशा कहां से बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये बन गया आपका नॉर्मल। तो दूसरी रे ऑफ लाइट ये आएगी ऑब्जेक्ट से और ये अब अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा यहां पर, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में आएगी तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है ये, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ भी आ सकती है ये इस तरह से, तो हो सकता है यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिले, बट डिपेंड करेगी कंडीशन। तो ये आर, यहां तक का डिस्टेंस आपका हो गया यू, और ये डिस्टेंस कौन सा हो गया यहाँ पर भी। ऐसे फिर ये कॉनकेव सरफेस के लिए भी मान लो म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये रे ऑफ लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड देन ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या बन सकती, इसकी इमेज बन सकती। तो अब इसके लिए हमको रिफ्रेक्शन फार्मूला डिराइव करना है, तो इसके ऐसे केसेस बनते हैं, तो यहाँ पे ये चार केसेस हो सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस, लेकिन जो फार्मूला आएगा डिराइव होके वो सभी के लिए एक जैसा रहेगा, मतलब आपको चार अलग अलग फार्मूला नहीं सोचना। फिर मैं कुछ यहाँ पे ट्रिक भी बता दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बट पहले मैं फार्मूला डिराइव कर देता हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फार्मूला, और जो फार्मूला आएगा जैसे मिरर फार्मूला हमने पढ़ा है, फिर जैसे लेंस फार्मूला आपको ध्यान होगा, तो इनके लिए भी फार्मूला फिक्स है, ठीक है, इन सरफेसेस के लिए भी फार्मूला फिक्स होते हैं। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, दो टाइप की कर्व सरफेस है, एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब हम रिफ्रेक्शन फार्मूला यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है रिफ्रेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन, और जो फार्मूला आएगा वो सभी सरफेस के लिए एक जैसा रहेगा, ठीक है, सभी सरफेस के लिए फार्मूला एक जैसा रहेगा। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए क्या, हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए, यस सर। अब फार्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, हाँ, फार्मूला डेरिवेशन सभी सरफेस के लिए एक जैसा है, मतलब इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सभी केसेस के लिए फार्मूला एक जैसा आएगा। तो पहले मैं फार्मूला डिराइव करके बता देता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 4, पहले हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं यहां पे, फार्मूला डेरिवेशन। तो मैंने सपोज ये कॉनवेक्स सरफेस लिया और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल और ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रख दिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और रे ऑफ लाइट कैसी बनाओगे, एक रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सीधी सीधी चली जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है, दूसरी रे ऑफ लाइट आप यहां से लोगे और नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करना, तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर ये रे ऑफ लाइट मान लो यहां पर आकर मिल रही है तो ये बनेगी इमेज, ठीक है, ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया, मैं यहां पर से एक परपेंडिकुलर डाल दूं जो बिल्कुल क्लोज है इसके, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दिस इज इक्वल्स टू यू, ये डिस्टेंस हो गया आपका आर और ये डिस्टेंस हो गया आपका वी।
जो साइन कन्वेंशन है जो हमने मिरर के लिए पढ़ा था, वही साइन कन्वेंशन यहां पर भी एप्लीकेबल है. ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलने पे प्लस, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे माइनस. तो इंसिडेंट रे किधर से आ रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो आपको इधर का जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेना और इधर का डायरेक्शन आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना. आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये जो रेडियस बन रही है यहाँ पे, यहाँ सेंटर से आपने इसको जो ड्रॉ किए, ये रेडियस है यहाँ पे. आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. वी का मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल. यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल. ठीक है. और अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, देखो ये एंगल को मैंने ले लिया, ये अल्फा है, ये एंगल सपोज बीटा है और ये एंगल सपोज गामा है. तो अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बहुत स्मॉल होगा. दिस मीडियम इज म्यू टू, ये मीडियम को हमने म्यू टू ले लिया, ये अंदर का मीडियम म्यू टू है, इधर का मीडियम आपका म्यू वन है और ये अंदर का मीडियम म्यू टू है. ठीक है. तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है तो बाकी के एंगल भी आपके बहुत स्मॉल आएंगे. तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा. एंड यहां पर देखोगे तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा. सो देयरफॉर R इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हो आप, गामा माइनस बीटा, या फिर मैं इसको गामा प्लस अल्फा लिख दूं, एक ही बात है. ठीक है. तो I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा. ये ट्राइंगल में देखो आप, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, ये एक्सटीरियर एंगल. तो आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा, और आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा. तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, गामा माइनस बीटा रहेगी. और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है, ये वैल्यू बहुत छोटी, तो डेफिनेट सी बात है ये वाले एंगल भी आपके बहुत छोटे होंगे. तो यहां पर हम एक अज्यूम्शन लिखेंगे नाउ बाय स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो म्यू वन आई इज नियरली इक्वल्स टू म्यू टू आर. स्नेल्स लॉ लिख दिया मैंने, ये समझ गए कैसे आ गए स्नेल्स लॉ. स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए साइन आई, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके बहुत छोटे हैं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन आई इज नियरली इक्वल्स टू आई आप लिखते हो, विच इज नियरली इक्वल्स टू आप क्या लिख देते हो, टेन आई लिख देते हो. ठीक है, समझ गए या नहीं. तो अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो आप ये एज्यूम्शन ले सकते हो यहाँ पर. सो दिस इज म्यू इंटू आई वन की जगह पे आप लिख सकते हो गामा प्लस अल्फा, एंड आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, गामा माइनस बीटा. तो अब एंगल बहुत छोटे हैं इसलिए आप इसको लगभग लगभग टेन गामा प्लस टेन अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू म्यू टू, फिर से टेन गामा माइनस टेन बीटा के फॉर्म पे लिख दो और फिर अब आप कंडीशन यहां पर बना सकते हो. ये वाले पॉइंट को आप एम कंसीडर कर लो तो ये हो जाएगा म्यू वन, this is tan gamma plus tan alpha is nearly equals to mu 2 into tan gamma minus tan beta. तो अब आप वैल्यू पुट कर देना mu 1 tan gamma. tan gamma मतलब mp upon pc. so this is mp upon pc and plus tan alpha अगर देखोगे this is mp divided by op and equals to mu 2 tan gamma, this is mp upon pc and minus tan beta किसके बराबर है, this is mp divided by pi. तो अब आप ये mp mp वाले टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए तो सॉल्व करने पे क्या बचा, mu 1 into 1 upon pc plus 1 upon op
is nearly equals to mu 2 into 1 upon pc minus 1 upon pi. अब और वैल्यू पुट कर दो, अब यहाँ पे pc की वैल्यू कितनी है r, तो विद साइन आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो mu 1 into 1 upon this is plus r plus 1 upon op कितना है minus u एंड नियरली इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दे रहा हूँ, म्यू टू इंटू वन अपॉन प्लस आर एंड माइनस ऑफ वन अपॉन प्लस वी. तो ये आ गया बेटा रिफ्लेक्शन फार्मूला, इसको हमको और लास्ट रिजल्ट को हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. यहाँ पे स्पेस कम है, इतने पेज का आप लोग स्क्रीन शॉट लो. जो डेरिवेशन है वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, स्टेट बोर्ड वालों के लिए इसका रिजल्ट जरूरी है जो लास्ट में आएगा अभी, बट ये डेरिवेशन सीबीएसई वाले बच्चे अच्छे से देख लो, बोर्ड के क्लास में आता है आपका. कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो रुका हुआ और देख लो अभी. वैसे तो स्नेल्स लॉ होता है म्यू वन साइन आई वन इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई टू, आई वन की जगह आई है, आई टू की जगह आर है, लेकिन अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन आई वन को आई लिख सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया. ठीक है, देखो अभी आगे पेज नंबर 5. अब इसका जो स्पेशल रिजल्ट है वो हम देखते पेज नंबर 5. ये जो रिजल्ट है इसको रीअरेंज करना है बस अभी पूरा. देखो अभी रीअरेंज करके लिखना है, रीअरेंज करके लिखना है, मतलब इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी. ठीक है, यहां तक समझ गए? ये इसको रीअरेंज किए, पहले म्यू वन और म्यू टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, म्यू टू है आपका, ये म्यू वन का इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये ऐसा लिख दिया मैंने. समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर. आप देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं ट्रांसपोज करके, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर. ये स्टेप भी समझ गए, रीअरेंज किया मैंने ये वाली स्टेप, इसको रीअरेंज किया, म्यू टू वाले टर्म को इधर ले आया और आर आर को एक साइड ले गया. ठीक है, देख लो अच्छे से. अरे समझ गए? ये रीअरेंजमेंट इक्वेशन था. और अब हम पूरा फाइनल रिजल्ट लिखने वाले हैं. तो फाइनल जो इक्वेशन है रिफ्रैक्शन के लिए, जो फाइनल इक्वेशन यूज में आएगी वो ये है कि आप हमेशा ऐसा लिखो, इक्वल्स टू बनाओ, डिवाइडेड बाय आर लिखो, यहाँ पे पहले यू लिखो, माइनस का साइन लो, यहाँ पे पहले वी लिखो. आपको ऐसा लिखना, पहले जब भी आपको अब रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखना है कर्व्ड सरफेस के लिए, कोई भी कर्व सरफेस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, आपको पहले इस तरह से लिखना है. ठीक है, ये ऐसा लिखोगे, समझ गए? राइट साइड में अपॉन में आर लिखो, लेफ्ट साइड में अभी यू लिखो, फिर माइनस, और ये फिर ऐसा भी लिखो, भी माइनस फिर यू फिर ऐसा. अब आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पुट करना ऊपर. अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, म्यू वन पे. ऑब्जेक्ट कहां रखा आपका, म्यू वन पे. तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको उसके मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पुट करना है. जैसे ये म्यू वन, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो आपको यहां पे म्यू वन लिखना है. बाकी दूसरा मीडियम ये है, तो दिस इज म्यू टू माइनस म्यू वन. इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, देख लो. ठीक है,
तो ये लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने का ये तरीका हो गया। और जब भी हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसको ध्यान में रखकर सीधे सीधे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और हाँ, आपको इस तरह से आगे करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखोगे कर्व सरफेस के लिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे नाउ सब्स्टिट्यूट भी सब्स्टिट्यूट नोन क्वांटिटी विद साइन, नोन वैल्यूज ऑफ यू वी एंड आर विद साइन। साइन के साथ में आपको नोन वैल्यूज को रखना है, अननोन वैल्यू को कुछ नहीं करना, नोन वैल्यू को आपको साइन के साथ में रखना है। अब मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं इसका, तो आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, तो फार्मूला लिखने के लिए ट्रिक बताया मैंने। हाँ, इस बार संडे को टेस्ट में कौन सा टॉपिक डाल दें, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाल दें क्या इस बार? यस सर। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा पूरा, इंक्लूडिंग कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा रहेगा इंक्लूडिंग कैपेसिटर, ठीक है? यस सर। हाँ, तो उस बार में रिवीजन भी होता रहेगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंक्लूडिंग कैपेसिटर। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पूरा 1, 2 और कैपेसिटर भी उसी में है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें गॉस थ्योरम, कूलम्स लॉ, डायपोल, फिर कैपेसिटर, ये सब आ जाएगा उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है इसके, एससी वर्मा में भी शायद 2 चैप्टर मिला के दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं 3 चैप्टर है एससी वर्मा में, ठीक है। और स्टेट बोर्ड में आधा 11th में और आधा 12th में, बोर्ड की बुक में, स्टेट बोर्ड की बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो ये समझ गए। अब मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ इसका फटाफट। हाँ, एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन फार्मूला हो गया, राइट साइड में जो लिखा हूं मैंने, बस उसको ध्यान रखना रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने के लिए, और उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। चलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ओके, अब देखो, अब आगे, अब यहाँ पे पेज नंबर 6, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें। सर, हाँ सर, आपने डेरिवेशन में नहीं किया, यू की जो था ना साइन कन्वेंशन, आपने पहले से ही कंसीडर कर लिए थे, तो फिर क्वेश्चन में हमको उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं ना बेटा, क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। आपने डेरिवेशन में तो कर लेते चेंज, डेरिवेशन में भी कर लेते, एक बार और करना पड़ता है, ठीक है, उससे परेशान नहीं होना। पेज नंबर 6, अभी पेज नंबर 6, ठीक है, देखोगे पेज नंबर 6, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन ये है कि ये एक मीडियम लिए हमने, दिस इज सपोज ग्लास, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट हो गया आपका पी, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, या फिर इसको 20 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, और जो रेडियस है इसकी, दिस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम बनाओगे, और इधर का मीडियम आपका एयर है, तो म्यू वन इज इक्वल्स टू 1, और ये जो मीडियम है म्यू टू, ये 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब 3/2 हमने म्यू टू को ले लिया। तो अब यहां से आप रे डायग्राम जब बनाओगे तो इस तरह से ड्रॉ करना, फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसी लेना, फिर यहाँ पे आप नॉर्मल बनाना, और उसके बाद ये यहाँ पे जाके लाइट मिल रही है, तो ये डिस्टेंस हो गया भी। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर।
क्वेश्चन समझ गए न्यूमेरिकल का? बहुत आसान है, चार स्टेप पे ही है, ज्यादा का नहीं है। समझ गया क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट आपका एयर मीडियम पे रखा है, पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? अरे क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको पहले ये लिखना है, ठीक है, ये जो बताया मैंने यहाँ पे, फिर यू, फिर माइनस का साइन और यहाँ पे वी। पहले आप रिफ्रेक्शन फार्मूला लिखो, ये समझ गए यहाँ तक? रिफ्रेक्शन फार्मूला लिखने के लिए अब आगे लिखना, अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डालना ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपके? एयर मीडियम पे, तो ये म्यू वन, फिर इधर म्यू टू और म्यू टू माइनस म्यू वन हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज म्यू टू? म्यू टू इज 3/2 डिवाइडेड बाय वी, ये अननोन है, इसको कुछ नहीं करना। म्यू वन इज 1 एंड यू की वैल्यू कितनी लेना है? माइनस 20, सो दिस इज 3/2 माइनस 1 अपॉन प्लस 10। सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन, बस खत्म हो गया सॉल्यूशन, देख लोगे। तो ये बचेगा आपके पास में 3/2 वी एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस 1/20 और यहाँ पे 3/2 माइनस 1 कितना बचेगा? 1/2 ना, अरे 3/2 माइनस 1/2, तो ये राइट साइड में कितना आएगा? राइट साइड में हेलो 1/20 आएगा। हेलो, यस सर, 1/20 आएगा। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर देना। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो 3/2 भी इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 0। तो वी इज इक्वल्स टू कितने पे आएगा आपका? वी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 0 मतलब इंफिनिटी। तो ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ पे बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है, समझ गए? देख लो भी है बहुत आसान। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है इसके, मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है, कैलकुलेशन देखो बहुत आसान है। तो ये तो इस डेटा के लिए है, अगर आप डेटा बदल देते, यू की वैल्यू कुछ और ले लेते, तो इधर आंसर भी कुछ और आते आपके, है ना? तो ये जो रे ऑफ लाइट है आई, ये कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी पे, मतलब इस तरह से नहीं आएगी हमें, मतलब मिलेगी नहीं ये कहीं, इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है, क्लियर हो गया? अरे भाई समझ गया या नहीं? हेलो हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और करवाऊं? देखो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, ठीक है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अभी, हो गया क्या बेटा? पेज नंबर 7। अब देखो अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, पेज नंबर 7। नाउ पेज नंबर 7 देखो, एक और क्वेश्चन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट आपने अब यहां पर रखा, म्यू टू इज इक्वल टू 3/2 और ये मीडियम आपका एयर है, बाकी कुछ नहीं दिया है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है। रे डायग्राम कैसे बनेंगे? यहां से एक रे ऑफ लाइट सीधी सीधी निकाल दोगे ऑब्जेक्ट से, ये ऐसी चली जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऐसी लेना है और ये बनेगा आपका नॉर्मल। तो अब ये रहेगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं डिस्टेंस लिख दूं, ये पोल हो गया, ये डिस्टेंस बन गया आपका आर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इमेज कहां पर बनेगी? ठीक है, समझ गया क्वेश्चन?
इमेज कहां पे बनेगी? अभी मैंने आगे का रे डायग्राम बनाया नहीं, अभी मुझे भी नहीं पता कहां पे जा रही है। अभी हम पहले वी की वैल्यू निकाल लेते हैं और वी की वैल्यू निकालने के बाद अपन आगे का रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखो। रिफ्रैक्शन फार्मूला इक्वल्स टू यहाँ पे आर लिखो, यहाँ पे यू लिखो, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे आपको भी लिखना है। ठीक है, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? ये देखो, ये इसको लिखना। अब आप देखो आगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? यू के ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? म्यू टू। तो यू के ऊपर आपको म्यू टू लिखना है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे म्यू टू पे है, तो यहाँ पे आप लिखोगे म्यू टू, बाकी बचा आपका म्यू वन। सपोज ये मीडियम म्यू वन है, तो इक्वेशन में यहाँ पे म्यू वन माइनस म्यू टू। समझ गए रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखना या नहीं? देख लो, रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने का तरीका समझ गए? रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने का तरीका समझ गए? रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने का तरीका समझ गए ना? यस सर। हाँ, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार और बताता हूँ। ये मिटा दिया मैंने, रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखना है, ये मिटा दिया। ये ऐसा लिखोगे पहले, ये लो मैंने ये सब मिटा देता हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये सब मिटा दो। पहले आप इक्वल टू का साइन बनाओ, यहाँ पे आप आर लिखो, फिर यहाँ पे आप यू लिखो, फिर माइनस का साइन दो, फिर भी लिखो। ठीक है, ये इतना लिखना। अब इसके बाद देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट म्यू टू पे है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, बाकी बचा हुआ म्यू वन। तो फार्मूला बन गया म्यू वन माइनस म्यू टू। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है, अब वैल्यू पुट करना आपको। ठीक है, देखो अभी वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो म्यू टू कितना आपके पास में? 3/2, ये माइनस का साइन। म्यू वन है 1 डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ पे म्यू वन इज 1 माइनस 3/2। अब वैल्यू पुट करते बेटा, यहां से इधर का जो डिस्टेंस आएगा वो कौन सा रहेगा? यहां से इधर का डिस्टेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, तो इधर का जो डिस्टेंस आएगा आपका इस साइड का वो रहेगा नेगेटिव, इस साइड का रहेगा पॉजिटिव। तो U की वैल्यू आपकी रहेगी माइनस 20, और R की वैल्यू भी कितनी रहेगी? R की वैल्यू माइनस कितना? 10। अरे समझ गया या नहीं? यस सर। हाँ, यहाँ पे साइन देखना वैल्यू पे, ये वाली वैल्यू आपकी माइनस 20, ये वैल्यू आपकी माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर दो, बस हो गया, इतना ही है ये सॉल्व। इसके बाद तो आपको भी सॉल्व करते बनेगा। 1/v माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस, 3/40 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 3/40, एलसीएम आ गया इसका 42 माइनस 3, तो वी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सॉरी, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/40, तो वी की वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इमेज किधर पे बन रही है, रियल रहेगी कि वर्चुअल रहेगी? रियल या वर्चुअल? वी की वैल्यू माइनस 40 मतलब इमेज इधर ही बनेगी, पीछे के साइड पे। तो जब रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो ये कुछ इस तरह से आएगी, एंड इट अपियर्स दैट ये यहाँ कहीं पर से आ गई, तो इमेज भी यहीं पे बनेगी, वर्चुअल इमेज आएगी, ये रियल इमेज नहीं रहेगी। दिस इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए नहीं?